स्वागत है आपका रेविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में, 11th लेसन में। इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ रूफ के बारे में, कैसे आप रूफ को क्रिएट कर सकते हैं, किस किस टाइप की आपकी रूफ रहती है और कैसे कैसे आप उसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, वो ले लेते हैं यहाँ से रूफ बनाने के लिए, और मैंने एक सिंपल सी एक रेक्टेंगुलर रोड यहाँ पे लिए, यहाँ से मैंने वॉल ली और सेम वॉल को मैं दो तीन यहाँ पे ले लेता हूँ, ताकि मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मल्टीपल। एक मैं कॉपी यहाँ पे कर लेता हूँ, एक मैं नीचे कर लेता हूँ, एक यहाँ पे कर लेता हूँ, एक यहाँ पे कर लेता हूँ। अब मेरे को रूफ बनानी है यहाँ पे। रूफ बनाने के लिए क्या रहेगा, वैसे ही जैसे आपने फ्लोरिंग की है सेम आपका फंडा रूफ का रहेगा। कैसे रहेगा, अब यहाँ पे आपके पास रूफ है, सबसे पहले रूफ बाय फुटप्रिंट जिसका आप सबसे पहले यूज करेंगे, क्लियर। अब अगर आप रूफ बाय फुटप्रिंट लेते हैं, यहाँ से आप रूफ बाय फुटप्रिंट क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास एकदम से एक नोटिस आ जाता है, लोएस्ट लेवल नोटिस। ये बोल रहा है यू हैव क्रिएटेड द रूफ ऑन द लोएस्ट लेवल, वुड यू लाइक टू मूव इट टू लेवल टू। इसका कहने का मतलब है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ से क्रॉस किया। अब देखो जो आपका बिल्डिंग्स बनेगी उसमें लेवल वन है, लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर, ऐसे ही आपके लेवल चलेंगे। अगर आपका फ्लोर बनेगा और पूरी बिल्डिंग का जो सबसे पहला फ्लोर बनेगा वो बनेगा लेवल वन पे, क्लियर। और अगर पूरी बिल्डिंग की पहली छत बनेगी, पहली रूफ बनेगी, मान लो आप ग्राउंड फ्लोर ही बना रहे हो, तो सबसे पहली रूफ कहाँ पे आएगी, लेवल टू पे, क्लियर दोस्तों। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो पहली रूफ आएगी वो लेवल टू पे आएगी। जब आप लेवल वन पे जाके आप यहाँ से रूफ पे चूज करते हो, क्लिक करते हो, तो आपको एक नोटिस देता है कि आपकी जो लोएस्ट लेवल है रूफ के लिए वो लेवल टू है और आप बना रहे हो लेवल वन से। क्या मैं अपने आप ही, वुड यू लाइक टू मूव इट टू लेवल टू, क्या आप इसे मूव करना चाहते हो लेवल टू पे, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। तो अब आप जो भी रूफ बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली लेवल टू पे जाएगी, क्लियर। और अगर आप लेवल टू पे जाके ही अपनी वॉल बनाते हैं, रूफ बनाते हैं, तो आपको कोई नोटिस ये नहीं दिखाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी लेवल टू पे, लोएस्ट लेवल पे आप हैं यहाँ, क्लियर दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये लेवल वन तो क्रिएट की हुई है, जो आपकी रूफ वॉल है वो 10 फीट तक की हुई है, ठीक है। मैं लेवल वन पे गया यहाँ पे और यहाँ से मैं रूफ को चूज करता हूँ, रूफ बाय फुटप्रिंट, ये बोलते हैं लेवल टू पे। मैंने कहा यस। यस करने के बाद सब कुछ चीजें वही रहेंगी जो आपने किया है फ्लोर के अंदर। जिसने मेरी अभी तक फ्लोर की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले मेरी इससे पहले वाली वीडियो फ्लोर की देखें, ताकि आपको रूफ भी बहुत अच्छे से समझ आ सके। फिर भी मैं ट्राई करूंगा, यहाँ पे मैं सब चीजें आपको क्लियर कर पाऊँ। अब यहाँ पे भी सेम चीजें हैं कि आपका बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे कमांड चलती है वो है पिक वॉल की, वो आपको पिक करेगा। करना सिर्फ इतना है आपको, आपको ऐसे वॉल को पिक करना है और आपको ऐसे पिक करना है, ऐसे क्लिक करके पिक कर देना है, तो आपकी चारों वॉल आपकी पिक हो जाएगी। इसको चाहिए एक क्लोज बाउंड्री, जैसे कि आपका फ्लोर में भी क्लोज बाउंड्री थी, इसको सिर्फ एक क्लोज बाउंड्री चाहिए। और क्लोज बाउंड्री करने के बाद आपको फिनिश कर देना है। अब फिनिश करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, जब आपने फ्लोरिंग लगाई थी तो उसके अंदर ट्रायंगल्स नहीं नजर आ रहे थे, अब इसमें आपको नजर आ रहे हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का क्या मतलब है कि इसने सभी साइड्स पे आपके स्लोप लगाए हैं। अगर मैं फिनिश करता हूँ और 3D में जाके देखता हूँ तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, तो इसने इस वाली रूफ को यहाँ पे स्लोपिंग दी है, चारों साइड पे इसने ये स्लोप रूफ लगाई है, क्लियर दोस्तों। अगर मैं दोबारा से जाता हूँ, दोबारा से मैं इस पे बनाता हूँ, अगर मैं देखो लेवल वन पे हूँ और यहाँ पे मेरे को रूफ दिखाई नहीं दे रही, क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आप ऑलरेडी लेवल वन पे हो। मैं एक रेंज फिक्स कर देना चाहता हूँ कि किस लेवल तक मैं देख पाऊँ ऊपर से लेवल वन से, तो उसके लिए क्या है कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको व्यू रेंज, व्यू रेंज को एडिट करें। यहाँ पे है कि जो आपकी प्राइमरी रेंज है, अगर आप टॉप से देख रहे हैं लेवल वन को, तो आप मैक्सिमम हाइट 7 feet 6 inches तक देख पाते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मेरे को तो 30 feet तक देखना। और यहाँ पे कट प्लेन, अगर आप लेवल वन को कट करते हैं तो 4 feet तक देख पाते हैं। मैंने कहा ये भी मेरे को 30 feet तक देखना है। अब अगर मैं करता हूँ ओके, तो वो देखो वो ऊपर से आपको दिखाई देगा, लेवल वन से ही आप टॉप देख पाएंगे यहाँ से,
क्लियर। अगर यही चीज मेरे को देखनी होती पहले तो मेरे को साइट व्यू पे जाना पड़ता। अगर आप साइट व्यू पे यहाँ से जाते तो आप अपने साइट व्यू से इसके टॉप को यहाँ से देख पाते, क्लियर दोस्तों। तो मैं लेवल 1 पे जाता हूँ, तो यहाँ पे इस टाइप की आपकी कोई रूफ बनी। मैं दूसरी वाली पे बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे रूफ लिया, यस किया। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे को स्लोपिंग वाली रूफ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए बिल्कुल मेरी प्लेन रूफ। तो प्लेन रूफ के लिए मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिफाइन स्लोप, जो अभी चेक करना है, इसे अनचेक कर। अब अनचेक किया, अब अगर आप क्लिक करके यहाँ पे बनाते हो तो क्या होगा कि आपकी जो रूफ बनेगी यहाँ पे वो बाउंड्री बनेगी विदाउट स्लोपिंग के बनेगी। और अगर आप फिनिश करते हो, 3D पे जाते हो, तो ये देखो आपकी प्लेन रूफ यहाँ पे बन जाती है, क्लियर दोस्तों। उसके बाद है, दोबारा से मैं यहाँ पे रूफ लेता हूँ, यहाँ पे मैंने रूफ लिया। अब जरूरी नहीं है, लेवल 2 ये पूछता है आपसे, अब जरूरी नहीं है कि आपको यहीं से बनाना, आप रेक्टेंगल लाइन जैसे आपने फ्लोरिंग की थी आप उसी से भी बना सकते हो, और आप ऐसे यहाँ पे बना सकते हो, क्लियर। अंडू किया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने पिक बोल लिया है यहाँ से, जो मैं रूफ बनाऊ वो मेरी वॉल से 2-2 फीट के डिस्टेंस पे बाहर की तरफ निकला हुआ, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओवरहैंगिंग। आप ओवरहैंगिंग डाल सकते हैं 2 फीट का, और यहाँ पे डिफाइन स्लोप पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी अब जितनी भी यहाँ से बाउंड्री बनती है वो 2 फीट बाहर से बनेगी। ये देखो, अगर आप 3D पे जाके देखते हैं तो ये देखो आपके यहाँ पे वॉल के ऊपर ये 2 फीट बाहर से आपकी बाउंड्री यहाँ पे बनी हुई है, क्लियर। दोबारा बनाते हैं, मैं इस पे एक रूफ बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे रूफ पे क्लिक किया, फुटप्रिंट, ओके। अब मैं जरूरी नहीं है कि मैं इससे बना सकता हूँ, मैं रेक्टेंगल भी यहाँ से यूज कर सकता हूँ, और मैंने यहाँ से अगर रेक्टेंगल यूज किया और ओवरहैंगिंग मैंने डाल दिया 3 फीट का, तो अगर आप अब यहाँ पे बनाते हो डिफाइन स्लोप मान लो मैंने घटाया, तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर ऐसे बनाएंगे तो आपका बाहर की तरफ बनेगा, फिनिश करें बाहर की तरफ बन जाएगा। अगर मैं अंदर की तरफ बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ से रूफ लेता हूँ, दोबारा से ओके करता हूँ, ये लिया, और मैं यहाँ से 2-2 फीट बाहर। अगर मैं ये बनाने के बाद क्लिक नहीं करना, स्पेस प्रेस कर दो, वो क्या करेगा, वो अंदर की तरफ फ्लिप हो जाएगा, और फिनिश कर दो वो अंदर की तरफ बन जाएगा, ठीक है। अगर बनाने के बाद एडिट करना है, अगर मैं देखता हूँ तो इस तरीके की आपकी रूफ बनी है। अगर आपको बनाने के बाद एडिट करना है तो आप सेलेक्ट करो, और यहाँ पे आता है एडिट फुटप्रिंट, आप इस पे क्लिक करें तो आपका वो एडिटिंग मोड में आ जाता है। दोबारा आप लेवल 1 पे जाएं, अब आप 1 पे क्लिक कर सकते हैं, आपको बाहर निकालना है, आप ये डिस्टेंस डाल सकते हैं कि मेरे को डिस्टेंस कितना चाहिए, और आप मैन्युअली भी अपनी वो रूफ की बाउंड्री को डिफाइन कर सकते हैं, फिनिश करेंगे उसी पे आपकी यहाँ पे रूफ बन जाएगी, क्लियर। तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, और मैं इस लेवल को हटाता हूँ यहाँ से, थोड़ा पीछे करता हूँ, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि मैं और भी बना सकूँ यहाँ पे काफी सारे में बना लूँ, ताकि आपको हर एक टाइप की रूफ का पता चल सके। उसके बाद है इस पे रूफ बनानी है, आप रूफ पे क्लिक करें लेवल 2 पे, ऑब्वियसली आपसे पूछते हैं। उसके बाद ओवरहैंगिंग मेरे को नहीं चाहिए, मैंने हटा दी ओवरहैंगिंग। एक्सटेंड टू वॉल कोर, एक्सटेंड टू वॉल कोर जो मैं ऑलरेडी आपको फ्लोर में बताया था कि अगर आपके पास वॉल है कुछ इस टाइप की जो मल्टीपल लेयर्स में वॉल है, अगर आप ये बनाते हैं, अगर आपने ये वाली वॉल बनाई हुई है यहाँ पे, अब आपको इसकी लेयर दिखाई नहीं दे रही है, तो उसके लिए आप यहाँ से फाइन कर सकते हैं, और फाइन करने के बाद आप इस पर क्लिक करें, और आप यहाँ से हिडन लाइन कर सकते हैं, आप शेडेड रियलिस्टिक कर सकते हैं, ये आपको नजर नहीं आ रही है यहाँ पे हिडन लाइन, ये नजर क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आपका व्यू रेंज था वो सेक्शन कट करके आपको नहीं दिखा रहा है। कट रेंज में मैंने यहाँ पे 4 पे ही डाला, ओके, तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, क्लियर। अब दोबारा से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ रूफ, अगर मैं लेता हूँ फुटप्रिंट, ओके किया, पिक वॉल अगर मैंने कर दिया यहाँ से 0 किया, एक्सटेंड टू वॉल कोर, अगर मैं इस वाली वॉल को बाहर आता हूँ बिकवाड से, इस वाली वॉल को फ्लिप कर देता हूँ, देखो दोनों वॉल मेरी फ्लिप हो चुकी है। आप यहाँ पे जाके क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करके ओवरहैंगिंग हटा के अगर आप एक्सटेंड टू वॉल कोर पे क्लिक करते हैं, तो जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो वॉल कोर तक एक्सटेंड हो जाएगा, क्लियर। और अगर आप एक्सटेंड टू वॉल कोर हटा देते हैं और अब क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं अंडू करता हूँ, अगर आप वॉल एक्सटेंड टू वॉल कोर हटा देते हैं
तो अब क्लिक करते हैं तो इस वाली बोर्ड पे वो क्लिक करेगा। तो ऐसे भी आप इस चीज का यूज कर सकते हैं कि कैसे कैसे मेरे को उस चीज को यूज करना है। फिनिश करें वैसे आपके यहाँ पे बोर्ड बन जाएगी, रूफ बन जाएगी, क्लियर। उसके बाद मैं दोबारा से रूफ लेता हूँ यहाँ पे। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने स्लोपिंग वाली यहाँ पे रूफ ली है, मान लो मैंने ओवरहैंग डाला 2 फिट का और मैंने रेक्टेंगल उठाया और मैंने यहाँ पे ये बनाया, क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने स्लोपिंग वाली ये रूफ ली है यहाँ पे, मैं इस चारों को एक एक फिट बाहर डालना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे को कितना चाहिए, मेरे को 1 फिट बाहर चाहिए, या फिर इंडिविजुअली करने की बजाय आप इसको सिलेक्ट करें, दोबारा से बना सकते हैं रेक्टेंगल में, ओवर हैंगिंग आपने 2 फिट डाला और आप यहाँ से ये डाल सकते हैं, क्लियर। अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो जो स्लोप चाहिए वो 3 साइड चाहिए, मेरे को 1 साइड स्लोप चाहिए, तो 1 साइड का स्लोप आप क्लिक करें और यहाँ पे है डिफाइन स्लोप, 1 साइड की एज को सिलेक्ट करें और डिफाइन स्लोप को अनचेक कर दें, तो 1 साइड का आपका स्लोप हट जाएगा। स्लोप के हटने के बाद अगर आप फिनिश करते हैं, 3D पे जाते हैं, तो ये देखें आपकी जो आपकी रूफ बनेगी वो कुछ इस टाइप में आपकी बन जाएगी, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अब ये भी बताऊंगा कि ये वाला एरिया को फिल करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से मैं जाता हूँ, आप देखो मेरे को यहाँ से रूफ दिखाई देनी बंद हो गई है क्योंकि मैंने यहाँ पे रेंज पे जाके कट प्लेन को मैंने 4 फिट पे किया था, मैं इसको दोबारा से 30 फिट पे कर देता हूँ, ओके, तो मेरे को यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मेरे को जो रूफ बनानी है तो मैं यहाँ पे नॉर्मल बना लेता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया, डिफाइन स्लोप है और डिफाइन स्लोप करने के बाद रेक्टेंगल, आप यहाँ से 2 फिट का ऑफसेट, ओवरहैंगिंग फिनिश, या आपकी ऐसे बन जाती है। थर्ड नंबर पे मैं चाहता हूँ कि 2 साइड मेरा स्लोप आए, तो उसके लिए दोबारा से मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से दोबारा से 2 पे क्लिक किया और यहाँ से मैं बना सकता हूँ। अब जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल से मैं बना सकता हूँ, मैं अगर यहाँ से पिक वॉल भी लेता हूँ और 1 टाइम में मैं बनाना चाहता हूँ, तो सिर्फ आप कर्सर लेके जाना और टैब प्रेस करें और क्लिक कर दें, तो वो पूरी बाउंड्री को यहाँ से बना देगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ 2 ही साइड स्लोप करना, तो कमांड से बाहर आए, कमांड से बाहर आने के बाद मैं इन दोनों साइड के स्लोप को हटाना चाहता हूँ, तो दोनों को सिलेक्ट किया, डिफाइन स्लोप हटाया एंड फिनिश, तो आपका यहाँ से इस टाइप की रूफ बन जाती है। यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ 1 साइड स्लोप आए, तो रूफ है यहाँ से प्रिंट प्रिंट आप कर सकते हैं, ओके करें, ओके करने के बाद पिक वॉल किया, आपने यहाँ से ये बनाया, उसके बाद आपने तीनों साइड को सिलेक्ट किया और डिफाइन स्लोप को अनचेक कर दिया, आप फिनिश करें। अगर आप 3D में जाकर देखते हैं तो आपकी देखो ये वाली चारों साइड स्लोप या 3 साइड स्लोप, यहाँ पे 2 साइड स्लोप है और यहाँ पे सिर्फ 1 साइड आपका स्लोप है, क्लियर। अब इस स्लोप को भी आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, या तो आप इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका स्लोप, 9 इंचेस का स्लोप है, आप इस पे क्लिक करके 5 इंचेस का स्लोप डाल सकते हो, नीचे आ जाएगा, या फिर आप इन एरो पे क्लिक करके अपने स्लोप को आप या डाउन कर सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे है, इस एरो पे क्लिक करके अपने स्लोप को कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्लियर। या फिर जब आप रूफ बना रहे होते हो तभी आपको स्लोप को डाउन या कम या ज्यादा करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे जब आपने स्लोपिंग वाली रूफ बनाई तो आप स्लोप पे क्लिक करके किसी भी एक साइड पे क्लिक करके यहाँ से या यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे को स्लोप कितना चाहिए। मान लो मैंने इस पर डाल दिया कि मेरे को यहाँ पे 4 इंच का स्लोप चाहिए, 1 साइड में 4 इंच का डाल सकता हूँ और तीनों साइड में 9 इंचेस का स्लोप है, यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं डिफाइन स्लोप करना है या नहीं करना है, या ओवरहैंगिंग करनी है या नहीं करनी है। तो फिनिश करेंगे, 3D पे जाएंगे, देखो आपकी कुछ इस टाइप की यहाँ पे रूफ बन जाएगी, कुछ इस टाइप की रूफ, क्योंकि वहां पे मैंने इतना कम स्लोप किया है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो मैं यहाँ से रूफ को चूज किया, ओके किया, चूज करने के बाद मैंने यहाँ से स्लोप डाला, मान लो मैंने 1 साइड का स्लोप डाल दिया यहाँ पे 4 का, यहाँ का भी स्लोप मैंने डाल दिया 4 का एंड फिनिश। 3D पे जाता हूँ तो आपकी कुछ इस टाइप की आपकी रूफ बन जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइप की यहाँ पे रूफ बना सकते हो, डिपेंड करता है कि आप स्लोपिंग को किस वे में यूज करते हैं और कैसे उसको यूज कर पाते हैं। मैंने यहाँ पे यूज किया, मैंने इन दोनों का स्लोप मैंने चूज किया और मैंने स्लोप 2 बढ़ा दिया। अगर मैं फिनिश करता हूँ तो इस तरीके की आपकी रूफ बन जाएगी, अगर आपको ऐसी रूफ बनानी है, क्लियर दोस्तों।
तो ऐसे करके आप अपने तरीके से रूफ बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, मान लो मेरे पास एक वाली बॉल मैंने और ली यहाँ पे, मेरे को सेम बॉल चाहिए तो मैंने ये वाली बॉल यहाँ पे ली, मैं इसको क्रिएट सिमिलर कर सकता हूँ, रेक्टेंगल लिया और मैंने एक बॉल यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये बनाने के बाद मैंने बीच वाली बॉल को डिलीट किया क्योंकि ये ओवरलैप हो गई। इस वाली बॉल को मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्प्लिट, मान लो मैं अगर इसको ट्रिम करता हूँ तो वो क्या होगा, वो यहाँ से हट जाएगी और यहाँ पे मूव जाएगी। मैं इसके लिए बेसिकली क्या करूंगा, मैं एक यहाँ पे स्प्लिट एलिमेंट है, मैं इसको यहाँ से स्प्लिट करूंगा। स्प्लिट ने क्या किया, इस बॉल को कट कर दिया। कट करने के बाद मैं ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर यूज करके इसको यहाँ पे ऐसे यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस पे अब रूफ लगाता हूँ, अगर मैं इस पे रूफ लगाने की ट्राई करता हूँ तो आप ऐसे यहाँ से रूफ लगा सकते हैं। फिनिश करेंगे, 3D पे जाएंगे तो आपके देखो कुछ इस तरीके के यहाँ पे रूफ लग जाते हैं, क्लियर। और भी अगर मैं आपको प्रोफाइल दिखाऊं कि मान लो मेरे पास और भी प्रोफाइल है रूफ लगाने के लिए, तो मान लो मैंने यहाँ से वॉल ली, एक प्रोफाइल और बनाया मैंने यहाँ पे, इसको कॉपी किया, तो यहाँ पे मेरे को कुछ वॉल ऐसी चाहिए। मान लो मेरा जो ये स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे मेरा जो स्ट्रक्चर है वॉल का वो कुछ और भी अजीब है, मैं इसको डिलीट करके वो एक अलग से स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। मेरे पास जो घर है कुछ इस तरीके से है, या फिर मेरे पास जो घर है वो इस तरीके से है, क्लियर। अब इस पे मेरे को रूफ लगानी है, तो सेम प्रोसेस, आप यहाँ से रूफ लें, ओके करें, ठीक है, डिफाइन स्लोप कर सकते हैं, ये आपका बनेगा यहाँ पे। और आपको चाहिए एक क्लोज बाउंड्री, क्लियर। अगर आपकी क्लोज बाउंड्री नहीं होगी, अगर आपकी बाउंड्री कहीं से भी अलग है, अगर ये नहीं होगी आपकी क्लोज बाउंड्री, फिनिश करोगे तो होगा क्या कि वो फिनिश नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको एक क्लोज लूप में बाउंड्री चाहिए। तो आप इसको यहाँ से ऐसे यूज कर सकते हैं, क्लियर। और आप यहाँ से फिनिश करें, 3D में जाए तो आपकी देखो कुछ इस तरीके की आपकी यहाँ पे रूप बन जाएगी। आपको ऐसे बनानी है, प्लेन बनानी है तो नॉर्मल डिफाइन स्लोप हटाए, आपकी प्लेन रूप बन जाएगी। इस पे अगर आप यहाँ पे रूफ लगाएंगे तो सेम प्रोसेस इसमें रहेगा कि आपने यहाँ पे रूफ ली, ओके किया, आप यहाँ पे जाएं, टैब प्रेस करें, चारों साइड लगा दी, सब साइड आपकी स्लोप है, फिनिश करें, 3D पे जाएं तो आपकी कुछ इस तरीके की रूफ बन जाती है। नेक्स्ट पे लगाना है, रूफ पे क्लिक किया, ओके किया, यहाँ पे जाते हैं, टैब प्रेस किया, बन गए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे को स्लोप नहीं चाहिए तो आप इसको क्लिक करें, डिफाइन स्लोप हटा दें। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे स्लोप नहीं चाहिए, इसको क्लिक किया, डिफाइन स्लोप हटा दिया। अब फिनिश करते हैं तो आपकी कुछ इस तरीके की यहाँ पे बन जाएगी। अगर आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पे मुझे खाली छोड़ना है, तो आप इसे क्लिक करके एडिट फुटप्रिंट कर सकते हैं और इस साइड की एज को, इस साइड की एज को डिफाइन स्लोप हटा सकते हैं। अब यहाँ की भी हटानी है तो हटा सकते हैं, फिनिश करेंगे तो आपकी कुछ इस टाइप की यहाँ से प्रूफ बन जाएगी, क्लियर दोस्तों। तो ऐसे करके आप इतने सारे टाइप्स के यहाँ पे रूफ बना सकते हैं। उसके बाद है, अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ, मैं चाहता हूँ कि जो ये वॉल है ये वॉल फिल हो जाए, यहाँ पे इस पूरे को फिल कर दे। अगर मैं इस पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ तो वो फिल नहीं कर पाएगा, वो मेरे पास ये भी पोर्शन आ जाएगा और ये भी बचेगा, मेरे को तो ऐसे पोर्शन चाहिए ही नहीं, मेरे को तो फिल करना है इसके लिए। तो इसके लिए मैंने अंडू किया। एक्चुअली मुझे क्या करना है, मुझे बोल का टॉप वाला पोर्शन अटैच करना है अपनी रूफ से। तो उसके लिए आप बोल पे क्लिक करें, बोल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अटैच टॉप बेस। आप अटैच टॉप बेस पे क्लिक करें, यहाँ पे आपसे पूछता है अटैच वॉल, वॉल का कौन सा पोर्शन अटैच करना है, टॉप अटैच करना है या बेस अटैच करना है। तो टॉप अटैच करना है तो आप टॉप पे यहाँ पे क्लिक करें और अपनी रूफ को सिलेक्ट करें तो आपका टॉप वाला पोर्शन से अटैच हो जाएगा, या फिर आप वॉल को सिलेक्ट करें, ठीक
ठीक है, आप तीनों वॉल को सिलेक्ट करें यहाँ से। अगर आप वॉल को सिलेक्ट करते हैं, आप यहाँ से सभी वॉल को सिलेक्ट करें, अटैच टॉप बेस करें, टॉप पे क्लिक करें तो उससे अटैच हो जाएगी चारों आपकी। क्लियर? फॉर एग्जांपल ये अटैच करना है, मैंने यहाँ पे इसे क्लिक किया, अटैच टॉप बेस पे क्लिक किया, टॉप पे क्लिक करोगे तो टॉप अटैच हो जाएगा। अगर आपने ऐसे कर दिया, मान लो ये कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि ये पोर्शन खाली हो जाए, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला मुझे पोर्शन चाहिए, तो उसके लिए मेरे को वॉल का बेस वाला पोर्शन अटैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अटैच टॉप बेस, आप यहाँ पे बेस पे क्लिक करेंगे और अपने रूफ को क्लिक करेंगे तो बेस वाला पोर्शन हट जाएगा, टॉप वाला आपका बच जाएगा। क्लियर? अब मान लो मेरे को ये चारों वॉल एक साथ करनी है, तो अगर आप एक वॉल को क्लिक करके एस ए प्रेस करते हो तो क्या होगा, जितनी भी वॉल थी सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, बट मुझे तो सिर्फ ये चार वॉल सिलेक्ट करनी है जिनको मैं अटैच करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करें, एक वॉल पे कर्सर लेके जाएं और टैप प्रेस करें तो वो सारी वॉल को सिलेक्ट करेगा और क्लिक कर दे। क्लियर? अटैच टॉप बेस करें, यहाँ पे क्लिक करें तो आप टॉप यहाँ से अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कर्सर लेके गए, टैप प्रेस किया, क्लिक किया, अटैच करना है, टॉप अटैच करना है, ये क्लिक किया, वो अटैच कर देगा। ऐसे आपको एक होता है डिटैच, अगर आप डिटैच करते हैं टॉप डिटैच ऑल करते हैं तो ये जितना भी था आपने सेलेक्ट किया था वो डिटैच कर देगा, अटैच करना है तो आप अटैच कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? ऐसे ही आप अटैच टॉप बेस का यूज कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे अटैच करना है, मैंने टैप प्रेस किया, सभी सिलेक्ट हुई, अटैच टॉप बेस, टॉप अटैच करना है इससे तो आप टॉप को ऐसे अटैच कर सकते हैं। जैसे ये है, क्लिक किया या फिर टैप प्रेस किया, सिलेक्ट किया, अटैच टॉप बेस, टॉप अटैच करें किससे, इससे, तो आपका यहाँ से ऐसे टॉप अटैच हो जाएगा। ऐसे आप इस चीज को, रूफ को यहाँ से यूज कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? उसके बाद आता है कि आपने रूफ तो यहाँ पे बना ली, बट अब रूफ का मटेरियल क्या देना है, रूफ की थिकनेस क्या देनी है, मटेरियल बताऊंगा बाद में, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि रूफ कितने टाइप्स की होती है और कैसे कैसे आप उसे थिकनेस दे सकते हैं। अब मान लो एक रूफ को यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ पे जाएं, अभी आपके 12 इंच की थिकनेस की रूफ है, 9 इंच की थिकनेस की चाहिए तो आप 9 इंच की बना सकते हो, या फिर आपको ये चाहिए कि मुझे 18 इंच की चाहिए तो 18 इंच थिकनेस की वॉल रूफ आपकी बन जाएगी। ये तो है प्रीसेट, जो आपके प्रीसेट है, स्टील ट्रस टाइप में चाहिए तो उस टाइप में बन जाएगी। फाइन देखना है तो आप इसे फाइन देख सकते हैं सेक्शन कट करके, आप इसे रियलिस्टिक देखना चाहते हैं तो रियलिस्टिक देख सकते हैं, वो आपकी कुछ इस टाइप की यहाँ पे आ जाएगी। मान लो मैंने यहाँ से दोबारा से इसको शेडेड किया, यहाँ पे क्लिक करें, अगर मुझे चाहिए ये वुड की तो वैसी आ जाएगी, अगर मुझे चाहिए ग्लास की तो यहाँ पे ग्लास ग्लेजिंग भी है तो आपकी ग्लास की हो जाएगी। ठीक है? अब इस ग्लास ग्लेजिंग पे अगर आपको यहाँ पे ग्रिडिंग बनानी है, आपको कटिंग करनी है, तो आपके पास आता है कटिंग ग्रिड, जो मैं आगे अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है? आप इस ग्रिड को ऐसे कट कर सकते हैं जैसे जैसे आपको चाहिए। मान लो इधर आपको इस तरीके का प्रोफाइल चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अपने अकॉर्डिंग इस चीज को कट कर सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे ऐसे चाहिए प्रोफाइल। इन पे मलियंस चाहिए आपको तो आप मलियंस यूज कर सकते हैं ऑल ग्रिड लाइन पे, तो आपकी कुछ इस तरीके की यहाँ पे रूफ बन जाएगी। क्लियर? इस पे क्लिक किया, आपको अपने अकॉर्डिंग, मान लो आपको 3 इंच की रूफ चाहिए तो उसके लिए आप जाएंगे एडिट टाइप पे। एडिट टाइप पे जाने के बाद आपको करना है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट पे क्लिक करें। आप डुप्लीकेट में सबसे पहले आप यहाँ पे चेंज करेंगे नेम की, मेरे को ये चाहिए 3 इंच चाहिए, यहाँ से सिर्फ आपने नेम चेंज किया है, टाइप आ गया, एडिट पे जाए और यहाँ से आप चेंज कर लें 3 इंच की थिकनेस है, ओके ओके, तो आपकी एक और एड हो जाएगी, वो है 3 इंच और वो आपकी 3 इंच की थिकनेस आ जाएगी। क्लियर दोस्तों? तो ऐसे आप करके थिकनेस को चूज कर सकते हैं। और सेम रूल है कि अगर मैं कोई भी रूफ बनाता हूँ यहाँ से, और रूफ बनाते हुए मान लो इस पे रूफ बनानी है मुझे, रूफ अगर मैं कुछ भी बनाता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे रूफ बनाई और रूफ बनाते हुए अगर मैंने एक प्रोफाइल बीच में बना दिया, अगर मान लो ये वाला मैंने प्रोफाइल बनाया, इस वाले प्रोफाइल की मैं स्लोपिंग हटा देता हूँ, तो एक प्रोफाइल में अगर आप दूसरा प्रोफाइल बनाते हो तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो उस प्रोफाइल को मिडल से कट कर देगा। इस चीज का ध्यान रखना कि किसी भी प्रोफाइल के बीच में अगर आप दूसरा प्रोफाइल बनाते हो तो वो उस प्रोफाइल को कट कर देता है। क्लियर? ये आप अच्छे से सीख पाएंगे जब मैंने आपको
फ्लोरिंग की वीडियो बताई है उसको प्लीज आप एक बार देखें ताकि आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ पाए। और एक और चीज, अगर आप यहाँ से रूफ लेते हैं, अगर आपको एक साइड से कर्व बनानी है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर सामने से कर्व चाहिए तो आप यहाँ से कर्व बना सकते हैं, बट आपको दो प्रोफाइल नहीं होने चाहिए, ये दो बाउंड्रीज हैं। तो उसके लिए आप मिडल वन को डिलीट करोगे, स्लोपिंग नहीं चाहिए तो डिफेंस को हटा दोगे, फिनिश करोगे, 3D पे जाएंगे तो आपकी कुछ इस तरीके की यहाँ पे रूफ बन जाएगी। तो आप ऐसे करके अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइप की यहाँ पे रूफिंग बना सकते हैं, जैसा जैसा आपका मन करे, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मैं और भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेता रहूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।